नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक आईआर प्रॉक्सिमिटी टाइमर सर्किट है। दोस्तों, ये एक आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर सर्किट है और इस सर्किट में आप टाइम भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक IRF Jet44N MOSFET। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 1000 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट मॉस्फेट के सोर्स पॉइंट के साथ और कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट मॉस्फेट के गेट पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 के प्रीसेट। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें प्रीसेट का जो मिडिल पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है मॉस्फेट के गेट पॉइंट के साथ। उसके बाद प्रीसेट के इस पॉइंट को हम मॉस्फेट के सोर्स पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 6 वोल्ट रिले। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें मॉस्फेट का जो ड्रेन पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक आईआर ट्रांसमीटर और एक आईआर रिसीवर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें आईआर ट्रांसमीटर का पॉजिटिव पॉइंट और आईआर रिसीवर का नेगेटिव पॉइंट हमें एक साथ रिले के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 ओम रजिस्टर। उसके बाद दोस्तों, अब हमें इस 100 ओम रजिस्टर को आईआर ट्रांसमीटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक 100 के प्रीसेट। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें प्रीसेट का मिडिल पॉइंट और ये पॉइंट एक साथ आईआर रिसीवर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ सोल्डर कर लेना है। उसके बाद प्रीसेट के इस पॉइंट को हम 100 ओम रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें ट्रांजिस्टर का जो एमिटर पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए, यहां पर कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट, मॉस्फेट का गेट पॉइंट और प्रीसेट का मिडिल पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट हम इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट हम रिले के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए, यहां पर कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट, मॉस्फेट का सोर्स पॉइंट और प्रीसेट का ये पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद उसी तार को हम इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम रिले के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये दो तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का दो तार। ये है नेगेटिव तार और ये है पॉजिटिव तार। तो दोस्तों, ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं
कि कैसे हम इस सर्किट के साथ एक इलेक्ट्रिक लाइट कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक होल्डर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें होल्डर का कोई भी एक तार कनेक्ट करना है रिले के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद अब हमें लेना पड़ेगा एक एसी पावर कॉर्ड। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस एसी पावर कॉर्ड का एक तार हमें सोल्डर करना है रिले के मिडिल पॉइंट के साथ। उसके बाद इसका दूसरा तार हम होल्डर के दूसरे तार के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस सर्किट के साथ एक इलेक्ट्रिक लाइट कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक आईआर प्रॉक्सिमिटी टाइमर सर्किट अपने घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।